नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में अपन बात करेंगे। और लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बेस्ट बुक हमारे को बताइए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक्स की अपन चर्चा करेंगे। वो चाहे एग्रीकल्चर की हो, जीके की हो और हिंदी की, इन सभी की अपन चर्चा करने वाले। इसके साथ में ही अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ऑल सब्जेक्ट्स का, इसके साथ ही ऑल जो एग्जाम्स होती है एग्रीकल्चर में, उनका स्टडी मटेरियल प्लस इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और साथियों, अपन चर्चा करते हैं कृषि पर्यवेक्षक के बारे में। जैसे ही इसकी एग्जाम डेट आई और इसके साथ में ही जैसे ही उसकी वैकेंसी की अपडेट आई तो साथियों सभी साथी का कमेंट आने लग गए कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक क्या रह सकती है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। वो सारी चर्चाएं अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले बेस्ट बुक की अपन चर्चा करते हैं। बेस्ट बुक की सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं? एग्रीकल्चर के टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन एनिमल के आएंगे, 20 एग्रो के, 20 होर्टी के आएंगे। इसके साथ में ही बात करें एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो ये है ए कंपेटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, नेमराज जी शुंडा की जो बुक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, वो बुक बेस्ट है, सफिशियंट है। कि सर क्या ओनली वो ही बुक पढ़नी है या एग्रीकल्चर का कुछ और भी मटेरियल पढ़ना है? बिल्कुल साथियों, आपको और भी मटेरियल पढ़ना है, उसके लिए आपके आ जाएगा 11th और इसके साथ में ही 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक है, 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक है ना, वो आपको प्लस में पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये वाली बुक इसके साथ में 11th 12th की बुक आपके लिए सफिशियंट है। अब बोलोगे कि सर इतने से मटेरियल से तोड़ना हो जाता है, हमारे साथ ही तो बहुत सारा मटेरियल पढ़ देते, पर बहुत सारा मटेरियल पढ़ देते क्या उनका सिलेक्शन हुआ है? नहीं साथियों, मेन फैक्टर काम करता है कि आप जो पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और उसका कितना आपको याद है, कितना आप उसका रिवीजन कर रहे हो। कम पढ़ लो, उसका रिवाइज कर लो, वो सफिशियंट रहता है, वो आपको सिलेक्शन दिला देगा। पर आप ज्यादा पढ़कर उसका रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो आपके लिए कुछ भी ज्यादा मेटेरियल नहीं है। 11th 12th की जो बुक्स आप पढ़कर आए हो वो आपको पढ़नी है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो आपके नेमराज सुंडा जी की जो बुक है एग्रीकल्चर की, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए कि सर एग्रीकल्चर का तो आपने बता दिया, इसके अलावा और हम पढ़ना चाहे और हमारे पास में टाइम है, रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया, तो ओल्ड एग्जाम्स के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ओल्ड एग्जाम्स मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नहीं, ऑल ओवर जो एग्जाम्स होती है उनके ओल्ड पेपर सॉल्व कर लेना और मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां पर मिलेंगे। तो आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो ज्वाइन कर लेना और नंबर इन नंबर पर मैसेज कर देना 8G8690596638 कि सर हमारे को तैयारी करनी है, हमारे को एक प्रॉपर तरीके से माहौल चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपसे ले लेंगे। बिल्कुल ये नंबर आज ही नोट डाउन कर दीजिए। इसके साथ में इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना हाई लिखकर, आपका नाम लिखकर, सही, ताकि आपका नंबर सेव किया जाए। इसके बाद में आती है हिंदी का मटेरियल, तो ये तो अपन डीप जाए तब मटेरियल रहता है। इसके अलावा हिंदी के मटेरियल की जब मैं बात करता हूं तो ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9 से लेकर 12 तक एक हिंदी की बुक आती है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एक हिंदी की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है, वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट आपको आनी चाहिए। मतलब उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे, एग्जांपल दे रखे, वो तो आने ही आने चाहिए। इसके बाद में ये इसमें से पढ़ना नहीं है अलग से, इसमें से ओनली एग्जांपल सोल्व करने, क्योंकि इसमें ओल्ड एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे दिए हुए हैं, तो यहां से आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है। राघव प्रकाश जी की जो हिंदी की बुक है इससे आपको ओनली एग्जाम्पल सोल्व है। और पढ़ना कहां से है, जो 9th से 12th की जो हिंदी ग्रामर की जो बुक होती है उसे पढ़ना है। इसके बाद में आते हैं अपन जीके की बुक। जीके की जो बुक आती है साथियों, मानचित्रावली, राजस्थान
मानचित्रावली जो शिकवाल की बुक आती है ये आपके लिए क्या रहती है साथियों, बेस्ट रहती है। इस बुक को आप पढ़ सकते हो, सफिशियंट मटेरियल इतना ही पूछा जाता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, चाहे आप पिछले एग्जाम्स को उठाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा जीके के ओल्ड पेपर, मतलब ये आप पढ़ लेना, इसके अलावा जीके के ओल्ड पेपर्स में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। कि सर इतना तो हो गया, हमारे को पता है। अब कोई स्टूडेंट की टेस्ट सीरीज में साथ के साथ में ज्वाइन करना चाहता हूं कि सर टेस्ट सीरीज में साथ के साथ में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो साथियों ब्राइट एग्रो क्लासेस की ब्राइट वाली टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा, जल्द आपके लिए स्टार्ट होगी और आपकी एग्जाम तक ये रहने वाली है। टॉपिक वाइज मेजर टेस्ट सब कुछ इसमें रहेगा। कि सर हमारे को पूरा बैच चाहिए, कि सर पूरा बैच चाहिए और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, तो साथियों वो भी आपको मिलने वाला है और एक शानदार फैकल्टी के द्वारा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इन नंबरों पर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा दो, फिर आपके लिए टॉप फैकल्टी के द्वारा एक बैच स्टार्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। इसके साथ में ही आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, उस बैच में आपको मिल जाएगी। कि सर प्री रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फायदा है आपको, जो ऐसे मान लो कि 3000 का जो कोर्स रहेगा ना, वो ओनली 1500 रुपए में आपके लाइव कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो साथियों 50% क्या मिलेगी, छूट मिलने वाली है इसमें। तो आज ही आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए भी, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो आपके बैच के लिए भी। हाँ ये बात करें कि सर टेस्ट सीरीज में कितनी छूट मिलेगी, वैसे 500 रुपए की है, आपके 350 में प्री रजिस्ट्रेशन में 350 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो साथियों आज ही ज्वाइन कीजिए ब्राइट वाली टेस्ट सीरीज। इसके साथ में ही अपन बात करें तो अपना जो कोर्स है, आने वाला जो कोर्स है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो भी एक टॉप फैकल्टी के द्वारा, टॉप गाइडेंस के द्वारा, और इसके साथ में ही आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा, क्लास के साथ साथ में क्या किया जाएगा, याद करवाया जाएगा। और जैसे कि स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं हमेशा क्या बोलते हैं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर पहले क्या किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन आप दोनों के लिए कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के साथ में है। इसके साथ में ही साथियों आप अपना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की ऐप की, तो आज ही डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।